हेलो मेरे मेहरबानों, बाबा जी ने बहुत समझाई पर को नहीं मानती। आखिर बाबा से इजाजत लेकर के उस धोनी को छोड़ देते हैं और बाहर निकलते ही धोने से बात करता है। उन्हों बाहर धीर बंधाता है कि देवी, हेलो, ओ धर्म देवी, तुम्हारे संस्कारों को मैं प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी, ये उस टाइम की रागनी है जिस टाइम कमला का, कमलेश का ब्याह था और राजेश का, और राय जी धनपत में आए हुए थे चंद्रपादी के घेर में। क्यों चाचा? उस टाइम की रागनी है और करतार ने और गुरु जी ने चंद्रपादी ने रागनी गाई थी। ये उस टाइम की रागनी है। मेरे मेहरबानों, एक बात के द्वारा और क्या धर्मदेवी से बात करें। शाबाश पतिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम देवी, जय प्रणाम। ओ धर्म देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे संस्कारों को प्रणाम करता हूँ। करतार भजन, जो मेरे माँ बाप को जो कर्म करने चाहिए थे, जो काम करना चाहिए था, वो तूने किया है। ओ देवी, तू धन्य है, पतिव्रता तू धन्य है। पतिदेव, आप ज्यादा कहकर मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। मेरा धर्म था, मेरा कर्म था आपकी सेवा करना। बेटे, देवी की बात पूछ लूं तेरे से? कहिए। शाबाश। जो नींद में पड़कर सो गया वो करवट लेना क्या जाने। अरे जिसके दिल में दर्द नहीं वो दर्द किसी का क्या जाने। जे हो दिए बाबूदान ठाकुर पूरे बता किसके लिए रानी।
मुझको तो 12 साल हो गए आपके साथ रहते सहते। जो भी लड़की होती है उसकी इच्छा होती है मेरी शादी हो और मैं ससुराल में जाऊं और पिया जी के संग में मीठी मीठी बातें करूं, श्रृंगार करूं हार करके और कैसे चलूं। क्या कह दिया? गुरु चंदर
खड़े खड़े बोल गुरुजी के स्टेज बनाओ या करते बोल गुरु चंदर चोट मिली जति सती के लेने ते बराबर हिम्मत है तेरी डरती ना दुख सहने ते गुरु चंदर चोट मिली जति सती के लेने ते बराबर हिम्मत है तेरी डरती ना दुख सहने बहुत 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 सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे कहने क्या कहने राजे इस तूफान बेड़े भाई बहुत